राम राम भाई सभी को। मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ इस प्रकार से क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ केदारनाथ, मेरा ड्रीम प्लेस। मैं बहुत दिनों से सोचा था कि मैं केदारनाथ का यात्रा करूंगा और आज फाइनली आज वो दिन है जहाँ आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा ट्रेन बिहार की क्यूल रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगा और हरिद्वार के लिए पहला ट्रेन है मेरा, पहला डेस्टिनेशन होगा मेरा। तो गाइस चलो पहले हम चलते हैं क्यूल, हम पूरा केदारनाथ चारों धाम घूम के आएंगे, गंगोत्री जमोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ फिर हरिद्वार, पांचों जगह घूम के आएंगे फर्स्ट क्लास। 15 दिन का ट्रिप होगा, मैं पार्ट बाई पार्ट डालता रहूंगा। और हाँ, मेरा ड्रीम प्लेस है, मुझे खुद मजा आएगा, आप लोग भी मजा करेंगे। मैं इसलिए वीडियो ब्लॉग बनाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस इसलिए बनाता हूँ कि आप जाओगे तो आपको पता होगा किस तरह से जाना होता है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आप भी समझ पाओगे। तो क्या चलो चलते हैं, तो जय जय भोले बाबा, आज मुझे बुला रहे हैं तो क्या चल सकते हैं। बस स्टार्टिंग में ही हमारा मम्मी जा रही है और पापा जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चप्पल पहन के जाए जूता पहन के, एक्चुअल में कहा जाता है जूता पहन के जाना चाहिए, तो चलो जूता पहन के चलते हैं। मम्मी यहाँ पे तैयार हो रही है फिलहाल, अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं मौसी मम्मी कुंडी माँ। क्या चलो चलते हैं, कार निकल चुकी है, अब कार में बैठते हैं मजे से, अब निकलते हैं फिर केदारनाथ हम यहाँ की यात्रा की ओर। चलो भाई चलो, बोले बाबा की जय, बाबा की चलो की। चश्मा लगा लिया, ठीक लग रहा होगा मम्मी आपके लिए, चश्मा निकालूंगे लाल वाला अभी निकालता हूँ। फाइनली मैंने और मम्मी ने दोनों ही नहीं चश्मा लगा लिया है, और मौसी है अभी लगाओ, मौसी मौसी बस। आपको लग रहा होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली मैं जमालपुर रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम ट्रेन लेंगे, निकलेंगे क्यूल रेलवे स्टेशन की ओर, फिर वहाँ से हम क्यूल रेलवे स्टेशन फिर ट्रेन लेंगे, हम जाएंगे फिर हरिद्वार की ओर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन की ओर। हमारा यहाँ तक प्लान है बस हरिद्वार के बाद, फिर हमें बस वस क्या है आगे हम प्लान करते जाएंगे उस हिसाब से। हम यहाँ तक प्लान करके आगे फिर केदारनाथ यात्रा की ओर। तो गाइस फाइनली स्टेशन पहुँच गए, फिलहाल चलते हैं यार, ये गाड़ी से तो निकल गए, गाड़ी लॉक हो गया, चलो चलो ऐसा अब चलते हैं। तो गाइस रोहित भैया तो वापस जा रहे हैं क्योंकि रोहित भैया मोदी भैया तो जा नहीं रहे, मैं मम्मी और पापा जा रहे हैं और मौसी केदारनाथ। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, तेरे भरोसे भेजा सबको। ठीक है जा जा भाई, कहाँ निकल। चलो गाइस खैर अब चलते हैं, ट्रेन 1 घंटा लेट है, 1 ट्रेन मिस हो गई हमारी लोकल, दूसरी लोकल आ रही है उससे जाएंगे क्यूल की ओर। जा जा चल, ठीक है भाई, ठीक है अबे घर में पहुंचू कॉल करने, ठीक है चल ठीक है भाई, चलो अब चल चलते हैं। शिव कर्म है शिव धर्म, कार लेके निकला भैया। हाँ तो गाइस मम्मी मौसी बैठ के आराम से बात कर रही है, अब पापा वहाँ टहल रहे होंगे कहीं, वो टहल रहे अपना, अपन ने इधर है आराम से, अभी खुद उसी ट्रेन आई। तो गाइस फाइनली अपना ट्रेन का अनाउंस हो रहा है, फाइनली ट्रेन तो आ चुकी है और फिलहाल मैं अभी यहाँ पे चढ़ लेता हूँ ट्रेन पे, फिर आप लोग से मिलता हूँ फटाफट, हम लोग पैक हो रहे हैं। मम्मी लोग यहाँ बैठ गई है, अपना स्टेशन आ गया क्यूल जंक्शन, चलो अब उतरो। फाइनली यही ट्रेन से हम पहुंच गए क्यूल जंक्शन, अरे क्यूल रेलवे स्टेशन, हाँ ये दिख रहा है क्यूल जंक्शन। तो गाइस अब यहाँ से 7-7 रुपये ट्रेन है क्यूल जंक्शन से हरिद्वार की ओर, फिर हरिद्वार से हम केदारनाथ की ओर जाएंगे। मैं भी कर रहा था मंत्र जाप, मंत्रा ऑफ गुरु
घटा जाके मन राम जी तो नाम पति पावन सीता राम फाइनली पूजा तो कर लिया हमने और हमने भुट्टे भी खा लिए। अब मस्त घूम रहे हैं इधर ही। पहले प्लेटफॉर्म में हमारा ट्रेन आएगी वाले यहाँ में हम देख रहे हैं इसमें भी आ सकती है पता नहीं अभी सेकंड में आएगी थर्ड में कुछ पता नहीं है कुछ भी हो सकता है। कहाँ जाना है पापा मेरी वेट चलता मैं नहीं खाऊंगा। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग खा पी के मम्मी बर्तन धो रही है अब चलते हैं मस्त तैयार हो गए फिलहाल चलते चलते आ जाओ पैक करो फटाक से अब निकलते हैं ट्रेन भी आने ही वाली होगी। आदत है वो कभी छूट नहीं सकती। मम्मी ने अभी खाना खाया क्यों ना ट्रेन में चल रहे हैं टहले निकल रहे हैं मम्मी पापा आराम से मस्त टहल रहे पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा टहले जा रहे बस आदत छूट नहीं सकती किसी की। लाल मैं यहाँ पे बैठता हूँ सामान के पास ट्रेन 7:30 बजे आएगी 7:30 पे गए थे मम्मी वॉकिंग करने गए थे पापा पापा भी आ गए साथ में वॉकिंग करके दोनों एकदम मस्त वॉकिंग वॉकिंग सब चल रहा है ना खाना खा के वॉकिंग छोड़ना ना यार भाई दोनों मम्मी पापा तो आ गए मम्मी पापा वॉकिंग करके तो आ ही गए अब मस्त पानी वानी भर रहा सही है इनका भी सही है गनगत पानी पीने का प्रक्रिया चल रहा है जो घर पे चलता है घर बाहर मम्मी आपको फर्क नहीं पड़ा बाहर आए हो घर वाले क्रिया का प्रक्रिया कर रहे पूरा घूमना फिरना खाना पीना अच्छा खाना नहीं छोड़ा तो वॉकिंग क्यों अंदर अब चढ़ा ना मौसी को पहले तो गाइस फाइनली मैं फोन को अंदर रखता हूँ 2 मिनट पर 2 मिनट का टाइम है बस कैसे चढ़ जाना है इसमें है सुनो मनसिपुर आ गया है हाँ ये यहाँ पे आने वाला है सुनो अभी कौन सा बोगी में देखना तो गाइस 2 मिनट का टाइम है चढ़ के बात करूंगा आप लोग से भाई 2 मिनट का टाइम है बस ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो मम्मी फोन को बैग में डाल लो आप मेरे फाइनली वैसे यहाँ तो पहुँच गए अभी ट्रेन आने ही वाली है ट्रेन आने वाली है अलाउंस हो गया अपना आगे आगे चलो भाई फोन को बैग में रखो आप आगे बस हम चढ़ तो गए लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है हमारे S1, S2 और S6 ऐसे में सीट मिला हुआ है 2 S2 में और 1 S1 में 1 S6 में देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हाँ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं खैर चल हम दो मिनट में अभी हम जा रहे हैं अपना सीट देखने के बाद मम्मी की ओर S6 में बस अभी अब चेंज कर रहे हैं मम्मी आराम चलो आराम से चले जा रहे हैं बस इसमें बस सीट एक्सचेंज करने के थक गया हूँ यहाँ से यहाँ फाइनली अब सीट सब एक जगह हो गया फाइनली एक्सचेंज हो गया इतना मकसद करने के बाद एक्सचेंज हो गया चलिए चेंज कर लिया मैंने उनसे अभी ये वाला सीट चेंज पे चेंज चेंज पे चेंज लेकिन फाइनली अब एक साथ हो गया चलते हम लेने लगे पेरा इसमें 11 दे दो 12 अरे आप लेने हम लगे पेरा गाइस फाइनली अब ट्रेन पे आराम से बैठ गए बिल्कुल सीट एक्सचेंज करके हाथ पांव में धो लिया अब हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न और पेरा गाइस हम लोग सब मिलके खा रहे हैं पॉपकॉर्न जा रहा चना फूलने के लिए
कल के लिए बोतल के अंदर। चलो खैर अब चलते हैं, अब सोने का वक्त आ गया, सोएंगे। अब आप लोगों से कल मिलता हूँ, इस ब्लॉग को यहाँ पे हैंग करता हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जाते जाते जय श्री राम, जय जय बोले बाबा, बाय बाय।